इरफान रहीम दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ चेयरमैन बिल्वर सिटी इस्लामाबाद। यकीनन पाकिस्तान का बड़ा नाम है और अल्लाह का करम है इन पे। जितना बड़ा और खूबसूरत ये प्रोजेक्ट है और रावलपिंडी इस्लामाबाद में पूरे मुल्क में अगर कोई सेल परचेज है तो बिल्वर सिटी इस्लामाबाद की चल रही है, तो इनसे दो चार बातें करते हैं। शोर साहब बताएं, एक तो क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि डिवेलपमेंट का काम बड़ी तेज़ी से जारी है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। इतना बाकी सोसाइटियों में 10 से 15 साल में भी काम नहीं होता जितना आपने 2 साल में काम किया है। जेन्युइन रिजल्ट है आपका। शेख साहब को मैं विजिट भी करवाया, इनको बड़ा पसंद था। अभी ये जो मौजूदा पोजीशन में सैलाब मुतासरीन है और आपका जो क्लाइंट है वो ज़्यादा KPK और बलूचिस्तान से है, पाकिस्तान पूरे से है लेकिन ये ज़्यादा जो क्लाइंट है, तो इनके लिए ये थोड़ी सी आप कोई इनको रिलैक्स कर सकते हैं या जो जुर्माने के हवाले से या लेट पेमेंट है? जी अस्सलामुअलैकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह भाई, आप तशरीफ लाएँ और दोस्तों को साथ लेके हैं, खालिद साहब तशरीफ लाएँ कराची से, इंडस यूनिवर्सिटी से, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने विज़िट किया। अल्लाह की मेहरबानी है जी, ब्लू वर्ल्ड सिटी अपनी डेवलपमेंट का काम जारी रखे हुए और कोशिश कर रही है कि जो कमिटमेंट्स हमने लोगों से की थी 2018 से लेके अब तक, वो हम सारी फुलफ़िल करें। सैलाब जदगान के हवाले से जो आपने गुफ्तगू की, इसमें कोई डाउट नहीं थी कि पूरा मुल्क इस वक्त एक टर्मोइल में है और पाकिस्तान का एक मेजर हिस्सा जो है वो सैलाब की जद में आया हुआ है, और हमारे से जो बन पड़ रहा है रिलीफ के हवाले से जितनी हमारी इस्तात है, हम इस वक्त सखर सिंध में एक ऑपरेशन कर रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मिल के। हमारा जो लॉन्च होने वाला TV चैनल है सुनो, उसकी स्पेशली टीम कवरेज के लिए अभी बकरम साहब तशरीफ लेके गए हुए हैं और उसके साथ अभी 4 C-130 प्लेन्स हमारे कराची से और लाहौर से कोई 45 टन के करीब जो रिलीफ के गुड्स हैं वो लेके गए हैं और वहाँ हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी तरह KPK में भी हमारा ये 5-6 सितंबर को इंशाल्लाह यहाँ से एक फ्लीट जा रहा है, कार्गो जा रहा है जिसमें राशन बैग्स और वो सारा कुछ जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, टेंटेज वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो एक कह लें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत या मुसलमान होने की हैसियत से या पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम पे फ़र्ज़ बनता है कि हमारे भाई जब प्रॉब्लम में हैं तो जो हम से बन पड़े वो हम करें। जहाँ तक प्रोजेक्ट की बात है जी, तो अभी तक ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट और जो पूरा मैनेजमेंट बोर्ड है जिसमें नदीम एजाज साहब और नईम एजाज साहब और सरफराज गोंदल साहब सारे शरीक हैं, उन सब की मुतफ़िका राय लोगों पर सरचार्जेज और जुर्मानों के हवाले से अब तक यही रही है कि हमने आज की डेट तक किसी से 1 रुपया भी जुर्माना वसूल नहीं किया और मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी लोगों को दी है कि वो अपनी की हुई कमिटमेंट्स पूरी करें और उसके नतीजे में हम अपनी की हुई कमिटमेंट्स पूरी करें। तो पहली तो बात ये है कि जी सरचार्ज के हवाले से अभी तक हमने लीनियंट पॉलिसी रखी हुई है। ला महाला जो लोग अरसा दराज से, एक तो है ना जी अर्थक्वेक एरिया से, सॉरी फ्लड एरिया से किसी का ताल्लुक़ है और वो नहीं दे पा रहा, तो फ्लड तो अभी आया, लेकिन जो पिछले 3-4 साल से लोग डिफ़ॉल्टर्स हैं वो ला महाला हमें उनको एक्सक्यूज़ करना पड़ रहा है और वो हम स्टेज वाइज करते जाएंगे। और उसमें हमने अभी भी बहुत लीनियंट पॉलिसी रखी हुई कि सबसे पहले वो लोग जो एब्सोल्यूट किस्म का डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और कभी भी वो इंस्टॉलमेंट देने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे, उनको हम एक्सक्यूज़ कर रहे हैं और बाकी लोगों को हम मौका देंगे। और उसमें ये सनाउल्लाह भाई के मशवरे से और जो दूसरे हमें मशवरे अपने रियल एस्टेट बरादरी से मिल रहे हैं, तो उसमें जिन लोगों का ताल्लुक KPK से है या सिंध से है या जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं, उनको हम ये रिलीफ इंशाल्लाह फर्दर भी एक्सटेंड करेंगे कि वो अपनी इंस्टॉलमेंट में जो डिले है उसको जब तक ये हम रिकवर नहीं कर जाते एज अ नेशन इस टर्मोइल से, तो हम इंशाल्लाह रिलीफ एक्सटेंड करेंगे। बाज़ जगह पे जी हमारी मजबूरी है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ लैंड एंड कॉस्ट जनरली ओवरहेड्स की इतनी बढ़ गई हुई है इस मुल्क में। डॉलर पिछले 3-4 माह में या पिछले 2 माह में वो 175 से जंप करके 250 पे गया और अभी भी 230 पे खड़ा हुआ है। फिर फ्यूल प्राइसेस जैसे रेज हो गई हैं, तो कुछ जगह पे हमारी मजबूरी है जो कि हमने जेन्युइनली प्रोजेक्ट डिलीवर करना है तो वो कॉस्ट हमने ट्रांसफ़र ही करनी है अपने एंड यूज़र को। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि जी प्रॉफिटेबिलिटी का जो बीच में अपॉर्चुनिटी डेवलपर के लिए होती है वो हम मिनिमल रखें, या हमारी तो ये खुशी होगी कि जो भी यहाँ की प्रॉफिटेबिलिटी है वो सारी हम इसी प्रोजेक्ट के सर्वाइवल पर लगा जाएँ और सिर्फ इज़्ज़त ही कमा लें
और लोगों की दुआएं ले लें तो वो भी हम समझते हैं हमारा सरमाया होगा, और इसी इंटेंट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह हत्तुल वसा जहाँ तक कोशिश होगी मेंबर्स को रिलीफ देने की, वो हम इंशाल्लाह देंगे। बहुत शुक्रिया। तो शेख साहब की बातें आपने सुनी, जैसे मैंने कहा कि अल्लाह का करम है इन पे, इसी वजह से अल्लाह का करम है कि ये लोगों के साथ मोहब्बत करते हैं, लोगों के साथ प्यार करते हैं, और ये इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट है दुनिया भर में। मैं तो इसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, अल्लाह के फजल से मैं सऊदी अरब उम्रे पे गया तो मुझे जगह जिस शहर भी गया लोगों ने बड़ी तादाद में मुझसे प्लाट बुक किए। तो आप भी बिलवर सिटी का एक दफ़ा विजिट करें और इसमें इन्वेस्टमेंट करें, आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ है और ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। बहुत शुक्रिया।